राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए, कैसा रहा हमारा जन्माष्टमी का दिन, कैसे मनाई हमने जन्माष्टमी, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने ये गोले के कुछ पीस ले लिए थे और मैं घर पर ही बुरादा जो है नारियल बुरादा बनाती हूँ, मार्केट से नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये नारियल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था कुछ पीसेस करके, और इसके बाद देखिए मैंने बुरादा ले लिया है और इसको भून लिया है। इसके साथ साथ मैंने इसमें से कुछ कच्चा निकाल लिया था जो हम बनाते हैं बाल भोग और पंचामृत, उसके लिए मैंने निकाल लिया है। तो अब हमारा ये भुन चुका है, बहुत हल्का सा हमें भूनना होता है, कलर चेंज नहीं करना होता है, लेकिन हाँ हल्का सा हमें भूनना होता है। मैंने सारी जो मेवाएं थी वो एक बार में ही भून ली थी, तो ऐसे ही मैंने ये मखाने भी भून लिए हैं। सभी मेवाएं मैंने पहले ही भून कर रख ली थी, और काजू हुए, बादाम हुए, ये सभी मैंने अच्छे से देसी घी में भून लिए हैं। अब ये हमारी बारी आती है गोंद की। तो गोंद मैंने एक दिन पहले इसको धूप लगा ली थी, और देखिए कितना अच्छा ये खिल रहा है, कितना अच्छा फूल रहा है। और गोंद को डालना तो आप सभी जानते हैं कि कितना ज़रूरी होता है, हरीरा वगैरह और जो हमारी मेवा की पंजीरी बनती है उसके लिए कितना अच्छा होता है ये। इसके गुड़ भी काफ़ी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसको डाल रही थी और भून रही थी, देखिए एकदम ये खिलने लगा। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं वो सब देसी घी में ही भुने हैं, क्योंकि ये सब भगवान जी के लिए हम बना रहे हैं। और अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, वरना आपको जो उचित लगे आप उसमें भी ले सकते हैं, जो भी आपको ऑयल लगे वो आप ले सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल। वैसे तो लोग नहीं लेते हैं, कम ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भून लिए हैं। अब ये हमारी मींग जो होती है खरबूज वाली, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा, हम तो मींग ही बोलते हैं। देखिए इसे अच्छे से हमने एक थाली से ढक दिया है, ये जब भूनते हैं ना तो चटकती है, खिलती है, तो इसलिए फिर मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया जिससे कि इसका सारा घी निकल जाए। चला दिया है तो अच्छे से ये निकल गया है, बहुत लाल करके यहाँ बहुत तेज आंच पर ये नहीं भूननी है। देखिए ये मैंने छुआरे भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले, 2 घंटे लगभग 3 घंटे भिगो दिए थे, जिससे कि आसानी से कट जाते हैं। और जब हम हरीरे में ये डालते हैं ना, इनका टेस्ट लाजवाब होता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। इनकी क्वालिटी भी बहुत होती है, अब आपको कितने पसंद हैं, कौन सा आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए बादाम वगैरह सब हो चुके हैं, ये मैंने पीस लिए हैं, बादाम हैं और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने सभी ग्राइंड कर लिए हैं। देखिए मखाने भी मैंने आधे दरदरे और आधे पिसे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे मेवे तैयार हो चुके हैं। देखिए यहाँ हो रही है तैयार ये चाशनी, और हमारे चाशनी भी तैयार है, किशमिश भी हमने भून ली थी ये भी तैयार है। और यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी चोहे की कतली। तो यहाँ मैंने डाला है गोंद और थोड़ा सा गोला जो कि बुरादा मैंने बनाया था, और देखिए ये एकदम परफेक्ट कतली बनकर तैयार है, पंजीरी हमारी तैयार है। और ये जो मेवे मैंने निकाले थे ये कच्चे हैं, इनको मैंने नहीं भूना था, ये हम अपने जो बाल भोग बनाएंगे उसके लिए तैयार किए हैं। बाकी सारे मेवों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक हरीरे के लिए और एक ड्राई फ्रूट की पंजीरी के लिए। देखिए ये हरीरे के लिए तैयार है, तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे पंजीरी। तो देखिए हमने अपना ये सब जो मैटर था, जितना भी हमारा सामान था, वो सब हमने इसमें डाल दिया है, और हमारी तैयार हो रही है ये पंजीरी मेवे की, ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी, और गोंद वगैरह हमने सब इसी में डाला हुआ है। और देखिए ये हमारी तीनों दोनों पंजीरियाँ और हरीरा तैयार है।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि भगवान जी को विशेष पसंद है वो है हमारा दरेक धनिए की प्रसाद। धनिए का प्रसाद बहुत ज़रूरी है, बिना इसके तो जन्माष्टमी का काम पूरा ही नहीं होता है। और ये हमारे भगवान जी को बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पिसा हुआ धनिया लिया है और ड्राई फ्रूट्स कुछ लिए थे देसी घी में, ये मैंने भून लिया है। व्रत है तो हम पूजा पाठ का ये जो भी है अपना ज़्यादातर हम देसी घी में ही बना लेते हैं। आप जो भी आपको अवेलेबल हो आप अपना यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे बहुत हल्का इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का इसको भूनना है थोड़ा सा। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे और ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद ये जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है छान कर इसमें पूरा मिक्स कर लीजिए, हमारी ये जो पंजीरी है वो तैयार हो जाएगी। धनिया पंजीरी कह लीजिए या धनिया प्रसाद कह लीजिए, जो भी आप कहें। और अब हम बना रहे हैं बालभोग। तो देखिए इसमें भी देसी घी डाला था बाद में, पहले तो थोड़ा था फिर भूनते भूनते साथ में डालती गई मैं, तो ये तैयार हो गया है। इसको अच्छे से छान कर जब ये भुन जाए, छान कर और बूरा वगैरह मिलाकर और जो हमने मेवे काट कर रखे थे वो मिला लेंगे, ये कंप्लीट हमारी हो गई। अब चलते हैं हम सब्जी बनाने की ओर, क्योंकि उसी समय सब खाना भी बनाता ही हैं, सभी बनाते हैं तो बनता ही है, तो हमारा भी खाना भी तैयार हो गया है। देखिए अब हम बना रहे हैं यहाँ पनीर की सब्जी। तो यहाँ सारे जो भी चीज़ें यूज की हैं इसके साथ साथ मैंने यहाँ ली है अमूल की क्रीम, जो कि डाल दी है धीरे धीरे करके, थोड़ी सी अभी और डालेंगे इसमें। और इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। टमाटर का यूज आज मैंने नहीं किया था, सबका व्रत था तो इसलिए टमाटर का यूज़ नहीं किया गया था। यहाँ देखिए ये तैयार हो गई है और थोड़ा सा अब इसमें डालेंगे पानी। इसमें जब बॉईल आ गया है, जब ये सब्जी थोड़ा सा तेल छोड़ने लगेगी तब हम डालेंगे इसमें पानी। देखिए अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे पनीर। और अपने हिसाब से आप मसालों का जो आपको लगे वो आप मसाले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब तैयार कर रखा है, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ा सा अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। इस तरीके से ही हमारा पूरा दिन गया। आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए मैंने इस सब्ज़ी में थोड़ी सी टेस्ट देने के लिए कसूरी मेथी डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। और आप चाहें तो जो भी आप मसाले ऐड करना चाहें, आमचूर पाउडर है या जो भी है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ इतना ये करने के बाद हमारी थोड़ा सा इसमें मैंने मखाने का भी यूज किया है, मखाने मैंने थोड़े से लिए हैं और वो डाल लिए हैं। तो मखाने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा हो जाएगा और जो ग्रेवी है वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी बढ़िया हो जाएगी। देखिए मखाने भी हमारे पड़ चुके हैं कम्प्लीटली, हमारी बॉयल जैसे ही आएगा 2-4 मिनट हम इसे बॉयल करेंगे और फिर हम अपनी सब्ज़ी, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब सेकंड सब्जी बनाएंगे अरबी की, पूड़ियों के साथ अरबी की सब्जी तो बहुत ही बेस्ट लगती है, तो हम यहाँ पर अरबी की सब्जी बनाएंगे। अरबी की सब्जी भी तैयार है, देखिए हरी मिर्च पड़ गई हैं, अरबी भी डाल दी गई है और अब यहाँ ये सब तैयार हो रहा है। पूजा का पूरा दिन थोड़ा पूजा पाठ कर लो, फिर अपना खाना बना लो, ये कर लो वो कर लो, उसी में पूरा दिन हो जाता है। लेकिन जो भी है अच्छा लगता है भाई, पूजा पाठ का दिन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन, सब कुछ अच्छे से मन से तैयार होता है। अब हम चलते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, तो हम अपने ठाकुर जी को नहला धुला कर तैयार कर रहे हैं, अब इनका हम श्रृंगार कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी थी कि हम अपने भगवान जी के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, तो वही चीज़ें लेकर हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं। ये जो पगड़ी थी ये फिट नहीं हो रही थी तो इसलिए हमने छोटी वाली जो पगड़ी थी वो लगा दी। ये बांसुरी मालाएँ सब लगा कर भगवान जी को कर दिया है तैयार। अब देखिए हमारा जो हमने सब बनाया था भोग वगैरह और पूजा की तैयारी हो रही है। देखिए जो भी सब बनाया था वो सब तैयार है, बाल भोग या जो भी था सब कुछ तैयार हो गया है। माखन मिश्री का भोग भी बहुत ज़रूरी है,
जन्माष्टमी के दिन कहीं कहीं देखा होगा आपने, ज्वारे जो हैं वो बोए जाते हैं कंडे पर, उपले पर। तो देखिए, ये मिट्टी छान कर, गेहूँ भिगो कर इनको किया जाता है, गेहूँ और जौ मिला कर भी या फिर अलग अलग, तो इनको मिक्स करके अच्छे से इनको बो दिया जाता है। ये जो कोट की तीजें होती हैं उस दिन इनको फिर सिराया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अब आपके यहाँ ये? तो देखिए, इस तरीके से गेहूं जो थे वो एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिए थे, जिससे कि ये जो इनके कहना चाहिए ये जो उगेंगे वो एकदम परफेक्ट और सही तरीके से उगाएं। किसी किसी के यहाँ शायद जन्माष्टमी पर राखी भी बांधी जाती है, तो वो भी सभी के यहाँ अपने अपने अलग रीति रिवाज हैं, जैसे जिसके यहाँ होता हो। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अपने लड्डू गोपाल को झुला रहे हैं झूला, और इसी के साथ हमने मनाई जन्माष्टमी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।